हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रेनूज रेसिपी। में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक हेल्दी नाश्ता, टेस्टी एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत जल्दी ही बन जाता है और बहुत कम चीज़ों से बनता है। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब आपको कुछ ना समझ में आए कि क्या बनाएं आज, तो ये वाला नाश्ता एक बार ट्राई करके देखना। यकीन मानिए, घर पे सभी को पसंद आएगा। तो ये देखिए, मैंने ये काले चने रात को भिगा लिए थे, तो ये मैंने काले चने ले रखे। इसकी जगह में आप मूंग भी ले सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ऑनियन कट कर रखा है और कुछ मैंने हरी मिर्ची ले रखी है, कुछ मैंने धनिया पत्ती ले रखी है और ले रखी है मैंने शिमला मिर्च। और ये 2 बड़े चम्मच के बराबर ले रखा है मैंने बेसन। आप चाहे तो इसकी जगह में सूजी भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने 2 बड़े स्लाइस ले रखे हैं ब्रेड के। तो ये बड़ा वाला ब्रेड है, इसलिए मैं 2 स्लाइस ले रही हूँ। आप जितने आदमियों के लिए बना रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। और ये मैंने दही ले ली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस नाश्ते में यूज़ होने वाली ये सारी सामग्री है। तो चलिए देख लीजिए कि ये कैसे बनता है। तो इसका सबसे पहला प्रोसेस है कि ये देखिए, हमने ब्रेड के स्लाइस जो थे उनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में करके ये एक मिक्सर बॉल में डाल दिया है। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पीस के ये कुछ इस तरह से हो गया है। और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमको करना है। उसके बाद हम सेम जार को वॉश करके इसमें मैं चने ऐड कर दूंगी और इनको भी हम पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चने पीस के कुछ इस तरह से हो गए हैं। अब हम इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। हम इस पूरे मिक्सचर को इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर से इसको हम चला लेंगे। तो अब हमने इस तरह का एक बाउल ले लिया है और ये देखिए, हमारा इस तरह का ये बैटर बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसको इसमें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका बैटर बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे अपनी बेसन और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम ऑनियन ऐड कर रहे हैं और इसके बाद हम कैप्सिकम भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और फिर हम इसको मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें लाल मिर्ची ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, हल्दी पाउडर ऐड करनी है तो कर सकते हैं। मैं इसमें खाली जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये जीरा मैंने पहले भून लिया था और उसके बाद मैंने इसका पाउडर बना दिया था। तो 1/2 चम्मच के करीब मैं इसमें पाउडर डाल दिया मैंने। और ये मैं डाल रही हूँ नमक, ये भी 1/2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें जीरे का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम बनाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह का बैटर बन के रेडी होना चाहिए और बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है फ्रेंड्स ये, और बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो अब हम इसको 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम तवा चढ़ा लेते हैं। जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा, हम इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो
ऑयल या बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं, और अगर डाइटिंग कर रहे हैं तो विदाउट ग्रीस करे भी इसे बना सकते हैं। ये तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता, चाहे आप नॉन स्टिक का तवा लें या नॉर्मल तवा लें। तो ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से हमने इसको ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपको जितना बड़ा बनाना है इसे आप उतना ज़्यादा बैटर डालिएगा। मुझे इसको मीडियम साइज़ का ही बनाना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ही बैटर डालूँगी। और ये इस तरह से इजीली फैल भी जाता है, और जब ये हो जाता है तो ये अच्छे से पैन को छोड़ भी देता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे छोड़ देंगे। और ये देखिए ये कितने अच्छे से हो गया है। तो ये अपनी साइड अपना आप छोड़ देता है। तो ये देखिए, अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे और इसी तरह से इसको प्रेस करके नीचे से भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हम इसको प्रेस कर करके और गोल घुमा के नीचे से भी उसी तरह गोल्डन ब्राउन करेंगे। ऊपर से देखिए कितना अच्छा कलर आ रखा है। तो इसी तरह हम इसे नीचे से भी करेंगे, और फिर मैं आपको इसको नीचे से पलट के दिखाऊंगी कि नीचे से भी कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये टेस्टी तो होता ही है, साथ में हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो हम इसे थोड़ा सा और सेक लेते हैं और उसके बाद निकालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको प्लेटिंग करके बता दिया है। ये मैंने बूंदी रायता के साथ और सॉस के साथ, टमाटो सॉस के साथ शव किया है। आप चाहे तो इसे किसी भी साथ के साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस करना, तो आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से हेल्दी और यम्मी नाश्ता लेके आपके लिए आऊँगी। और कमेंट करके बताना कि आपको मेरे चैनल पे क्या चाहिए, कैसी रेसिपी चाहिए। आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।